शिवरात्रि महापर्व की मान्यता विश्वव्यापी है। शिवरात्रि महोत्सव हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। व्यास नदी, जिसे ऋग्वेद में विपाशा और प्राचीन यूनानियों द्वारा हाइफेजिस कहा गया है, व्यास नदी ने हिमाचल की प्राचीनतम बस्तियों में से कुछ का पोषण किया है। इनमें से एक छोटी काशी या हिमाचल की काशी मंडी शहर है, जो अपने कई मंदिरों एवं अन्य सम्मानताओं के आधार पर भारत के पवित्र एवं प्राचीनतम शहर काशी बनारस का समानार्थी है। मंडी शिवरात्रि महोत्सव की लोकप्रियता व्यापक है और इसलिए इसे एक अंतर्राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में जाना जाता है। छोटी काशी के नाम से विख्यात मंडी की शिवरात्रि शैव, वैष्णव और लोक देवताओं का पर्व है। लोक आस्था परंपरा के साथ साथ सदियों पुरानी विरासत के संरक्षण और संवर्धन के रूप में भी इस महापर्व का महत्व आंका जा सकता है। शिवरात्रि महापर्व वसंत के आगमन और मौसम के बदलाव का प्रतीक है। पहाड़ों की चोटियों में बर्फ पिघलने और बनफूलों के महकने के साथ ही लोक देवता मंडी शिवरात्रि में शामिल होने के लिए शहनाई, ढोल, नगाड़े, करनाल आदि लोक वाद्य यंत्रों की ताल पर झूमते हुए निकल पड़ते हैं। शिवरात्रि में शैव मत का प्रतिनिधित्व जहां मंडी नगर के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ करते हैं, वहीं वैष्णव का प्रतिनिधित्व राजदेव माधोराय करते हैं और लोक देवताओं की अगुवाई बड़ा देव कमरुनाग, हुरंग नारायण और देव पराशर आदि देवता करते हैं। शिवरात्रि देश में अपनी तरह का अलग लोकोत्सव है। मंडी शिवरात्रि में जनपद के 200 से अधिक देवी देवता एक सप्ताह तक मंडी नगर में मेहमान बनकर रहते हैं। मंडी जनपद के सबसे बड़े देव बड़ा देव कमरुनाग शिवरात्रि से एक दिन पहले आ जाते हैं और पहले भगवान विष्णु के अवतार राजदेव माधुराय और मंडी नगर के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ के दर्शन कर टारना की पहाड़ी पर स्थित श्यामा काली मंदिर के पीछे अपना स्थान ग्रहण करते हैं और वहीं से 7 दिनों तक चलने वाले शिवरात्रि महोत्सव की कार्यवाही देखते हैं। बड़ा देव कमरुनाग किसी भी शोभा यात्रा, जिसे स्थानीय भाषा में शाही जलेब कहते हैं, में भाग नहीं लेते और महोत्सव के बाद पूरे मंडी को एक रक्षा सूत्र में बांधकर अपने क्षेत्र में लौट जाते हैं। शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सभी भक्त बड़ा देव कमरुनाग के दर्शन के लिए श्यामा काली मंदिर में आते हैं और यहां माता काली और बड़ा देव कमरुनाग का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। देव कमरुनाग की ओर से देव बड़ा कमरुनाग के गुरु पुजारी श्री निर्मल सिंह जी और ये हमारे बड़े देव कमरुनाग जी हर साल की भक्ति यहाँ पर शिवरात्रि के लिए विराजमान है। यहाँ पर माता तारना के मंदिर में बैठते हैं जी। यहाँ पर बड़ा देव कमरुनाग जी हमारे मंडी जनपद के व पूरे हिमाचल प्रदेश के मंडी जनपद के सबसे बड़े देवता माना जाते हैं और बड़ा देव कमरुनाग के नाम से जाना जाता है इन्हें। जैसे कि हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री बड़ा देव कमरुनाग जी, बीमारी शुमारी दूत भूत कोई भी किसी भी प्रकार के छल कपट की और किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाले श्री बड़ा देव कमरुनाग जी हमारे सभी लोगों को मनोकामना को पूर्ण करने वाले, जैसे कि किसी प्रकार की आपदा, किसी प्रकार के संकट से संवारने वाले हमारे देव कमरुनाग जी।
बड़ा देव कुमनाक जी, ठीक है जी। जैसे कि हमारे मंडी जनपद के बड़ा देव कुमनाक बार शिखर भी देवता माना जाता है। और अभी शिवरात्रि में आए हैं तो 7 दिन यही रहेंगे और कोई जलेब अटेंड नहीं करेंगे। जैसे शिवरात्रि के लिए आते हैं तो बड़ा देव कुमनाक जी अपने भंडार से आके सीधे आते हैं और गाँव गाँव में अपने लोगों की आस्था के साथ आते हैं और सीधे मादुराय में आते हैं। और सबसे प्रथम मादुराय में मिलन होता है, मादुराय के बाद रानी के बेड़े में मिलन होता है, राजा रानी के साथ मिलन होता है, उसके बाद सीधे श्यामा काली माता टारना में मिलन होता है देव कुमनाक। फिर श्यामा काली के शरण में बैठते हैं वहाँ पर और 7 दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं। और 7 दिन के बाद जैसे भी यहाँ पर राजा का हुक्म, मंडी के राजा का हुक्म, जैसे कि हमारे मंडी के राजा इस टाइम DC साहब भी है, DC साहब का हुक्म, जैसे कि हमारे मेले की क्लोजिंग होती है तो यहाँ से 7 दिन के बाद हम यहाँ से उठते हैं और सीधे अपने निवास स्थान के लिए 7 दिन के साथ यही रहेंगे। 7 दिन 8वें दिन फिर वो पूरे मंडी को जो है वो रक्षा सूत्र में बांधते हैं, बांधते कार। हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी। वो तो बड़ा देव कुमनाक सबको भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, मंडी को सबको संतुष्ट करते हैं और सबके मनोकामना को पूर्ण करने वाले बड़ा देव। जय जय। शिवरात्रि के दिन सुबह से शाम तक जनपद के 200 से अधिक देवी देवता लोक वाद्य यंत्रों की ताल पर झूमते हुए मंडी नगर के अधिष्ठाता बाबा भूतनाथ के दर्शन करने आते हैं। ऐसा अनूठा देव मिलन देखते ही बनता है।
Thank you.
शिवरात्रि के अगले दिन सभी देवी देवता राजदेव भगवान विष्णु अवतार माधुराय मंदिर में दर्शन करने आते हैं। मंडी के भीमा सुनार ने माधुराय की चांदी की प्रतिमा बनाई जो आज भी मौजूद है, जिसे पालकी में रखकर धूमधाम के साथ पड्डल मैदान ले जाया जाता है। इस चांदी की प्रतिमा से खुश होकर राजा ने भीमा सुनार को तुंगल में बहुत बड़ी जागीर दे डाली थी। Thank you.
वही जाएंगे, सबसे पहले अभी वही होंगे। We'll be right back.
दर्शन उपरांत राज देवता माधुराय के नेतृत्व में शोभा यात्रा यानी शाही जलेब निकाली जाती है। ये शाही जलेब राजदेव माधुराय मंदिर से शुरू होती है और पड्डल मैदान पर समाप्त होती है। शाही जलेब 7 दिनों की त्यौहार अवधि के दौरान 3 बार निकाली जाती है। पहली शाही जलेब में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं।
और अंतिम जलेब में राज्यपाल मेले का समापन करते हैं। इन शाही जलेब में 200 से अधिक देवी देवताओं के साथ गुर, जिन्हें देवताओं की आवाज माना जाता है, पुजारी और हर एक देवी देवताओं के साथ दर्जनों देवलुओं और हजारों की संख्या में स्थानीय लोग शामिल होते हैं। इन शाही जलेब या शोभा यात्रा को देखना एक आध्यात्मिक अनुभव है। मंडी शिवरात्रि का एक और आकर्षण देव मिलन है, जिसमें देवी देवता एक दूसरे की पालकी पर झुककर अभिवादन करते हैं। मेला पड्डल मैदान में आयोजित किया जाता है, जहां खाने पीने के साथ खेल प्रदर्शनियां लगाई जाती हैं और बाहर के साथ साथ यहां के स्थानीय व्यापारी भी भाग लेते हैं। कैल्शियम, फाइबर, इन सब चीज़ों से भरपूर थे जो हमारे बुजुर्ग लोग खाया करते थे, उसके बारे में लोगों को बता रहे हैं ताकि उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा लें और बीमारियों से बचें। जैसे हरी कंगनी है, कुटकी है, कंगनी है, बान्याड मतलब स्वांख है, कोदो है, तो ये पुराने अनाज हैं। कोदरे का आटा है, जौ का आटा है, रेड राइस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुराने अनाज हैं। पहाड़ी रेड राइस, पहाड़ी रेड राइस जी, कांगड़ा का रेड राइस। हमने इन्हीं चीज़ों से, ये वारले का हमने पॉपकॉर्न बनाया हुआ है जो कि बच्चों को हम खिला सकते हैं। बाज़ार से जितना भी जंक फूड खाते हैं उससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, क्योंकि वारले में बहुत सारा फाइबर है जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। रागी मोल्ट बनाया हुआ है, रागी से हमने मोल्ट बनाया, एनर्जिक ड्रिंक बनाया है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी बहुत ज़्यादा है। मेलों और त्योहारों में खान पान का रिश्ता खास होता है, और अगर आप मंडी शिवरात्रि महोत्सव में आए हैं तो मंडी की धाम, कचौड़ी, लुच्ची और सिड्डू यहाँ के प्रमुख व्यंजन हैं। इन्हें आप जरूर आजमाइएगा। पड्डल मैदान में एक कतार में बैठे इन देवी देवताओं का अनूठा देव समागम यहाँ देखने को मिलता है। देव समागम में बैठने वाले देवताओं की वरिष्ठता का विशेष ध्यान रखा जाता है। वरिष्ठ देवता का स्थान पहले होता है, उसी क्रम से अन्य देवी देवता स्थान ग्रहण करते हैं। इन दिनों शहर और आसपास के गांवों के लोग देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहां आते हैं।
इस महोत्सव में 6 सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाता है। पहले सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन पड्डल मैदान में होता था, लेकिन इस बार करीब 1 दशक बाद सांस्कृतिक संध्या ऐतिहासिक सेरी मंच पर आयोजित की जा रही है। इसमें स्थानीय लोक गायक, कलाकार और बाहर से आए नामी गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। चौराह घाटी के बड़ा देव हुरंग नारायण और घड़ौनी नारायण को भगवान बलराम का अवतार माना जाता है। देव पशाकूट, घाटी वजीर और चौराह घाटी के अन्य सभी देवताओं का भी मंडी जनपद में मुख्य स्थान है। देव हुरंग नारायण धूम्रपान और चमड़े की बनी वस्तुओं के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने इस पर पाबंदी लगा रखी है। जो भी व्यक्ति गलती से भी धूम्रपान और चमड़े की वस्तु के साथ देवता के रथ के पास आ जाता है, उसे जुर्माना चुकाना पड़ता है। जानने के बाद जानबूझकर ऐसा करने वालों को देवता का कोप भी झेलना पड़ता है। धूम्रपान और चमड़े की वस्तुओं को छोड़ अन्य सभी चीजों पर खुली छूट है। हिमाचल प्रदेश में स्थित मंडी भारत का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पहुँचना बहुत आसान है। मंडी शहर शिमला, चंडीगढ़, पठानकोट और दिल्ली से सड़क मार्ग द्वारा पहुँचा जा सकता है। हवाई यात्रा की बात करें तो कुल्लू मनाली हवाई अड्डा भुंतर निकटतम हवाई अड्डा है। ये मंडी शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और निकटतम रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। जोगिंदर नगर से टैक्सी या बस द्वारा आसानी से मंडी पहुंचा जा सकता है। रहने के लिए यहां सुविधा के अनुसार और बजट के अनुकूल होटल्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दीजिए इजाजत, जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ। हर हर महादेव।